और जनपद रुद्रप्रयाग के एक दिवसीय भ्रमण पर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद के कोठगी में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया है। उनके साथ में विधायक भगत सिंह चौधरी, जिला पंचायत सदस्य के साथ भी मौजूद रहे। साथ ही निर्माणदायी संस्था को मार्च तक कार्य पूरे करने के निर्देश भी स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग को बीते वर्ष नवंबर 2022 में नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिली थी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 नवंबर 2022 को कोठगी में नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन के साथ शिलान्यास किया था। कार्य को इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा होना था, मगर बारिश के चलते सड़कें टूटने से निर्माण सामग्री लाने में विलंब हुआ है। इसलिए निर्माणदायी कंपनी को हाल में मार्च 2024 में इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नर्सिंग कॉलेज में फर्नीचर, लाइब्रेरी और इंटरनल सड़कों के लिए 2 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि भी मुहैया कराई गई है। रुद्रपुर से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, हमारा जो रुद्रप्रयाग जिले का कोठगी में नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, हमने टारगेट दिया था कार्यदायी संस्था को कि इसको दिसंबर तक बनाया जाए, लेकिन अभी काफ़ी काम यहाँ पे बाकी है और मार्च तक बनाने का टारगेट उनको दिया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो विधायक हैं रुद्रप्रयाग के, उनके कहने पर ही हमने ये नर्सिंग कॉलेज जो शुरुआत की है, लगभग 21 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। मोटर पुल स्वीकृत हुआ है और वर्ल्ड बैंक को जो है कार्यदायी संस्था उसमें बनाया गया है। और जो अप्रोच रोड है उसका शासनादेश लगभग 1 साल पहले हो चुका था, वो पीडब्ल्यूडी रुद्रप्रयाग जो है उसमें काम कर रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पे मोटर पुल का भी निर्माण होगा। अभी हमारे कोठगी में जो है पुल के लिए हमारे विधायक साहब ने घोषणा की है, 12 करोड़ रुपए जो है उसमें पास हुए हैं। इससे हमारी क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा और जो हमारा नर्सिंग कॉलेज बन रहा है उसमें भी सभी लोगों को फायदा होगा और यहाँ की जनता इस कार्य के लिए बहुत खुश है और तहे दिल से स्वागत करती है विधायक जी का भी और भारतीय जनता पार्टी का।